नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। रोज ही की तरह हमारी टीम जाती है दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में, ये जानने की कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, क्या किया विधायक ने पांच साल, क्या आए आपके बीच, किया आपके क्षेत्र का विकास, क्या हो गया फेल। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट उत्तम नगर विधानसभा से। क्या नाम है आपका? रणबीर डबास। डबास साहब कहाँ रहते हैं? रिपन गार्डन नॉर्थ ब्लॉक। चुनाव आते हैं, वोट भी करते होंगे फिर? तो करते हैं जी। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? वो तो समय आएगा जब बताएंगे जी, अभी तो क्या बताएं। पाँच साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम किया दिल्ली वालों के लिए? देखो जी, काम तो किया है पर समय आएगा जब ही बताएंगे जी। आपके इलाके से विधायक कौन है? नरेश बाल्याण जी है जी। कुछ काम कराया क्षेत्र में? बिल्कुल अच्छा काम किया जी। क्या काम किया? बहुत अच्छा काम किया, नाली रोड खड़ंजे सब सीवर वगैरह सब चीज का काम किया। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 देंगे जी। कितना काम किया है? बिल्कुल किया जी। गंभीर आज है। कहाँ रहती हैं? यही गली नंबर 16। चुनाव आता है वोट देती हैं? देते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, आपकी राय क्या है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? अभी तो हम लोग केजरीवाल के देंगे। क्यों? क्यों सारा माफ करा तो देंगे नहीं क्या? क्या माफ किया? क्यों बिजली किया, अभी बस के किराया माफ कर दिए देंगे? अच्छा। केजरीवाल को, मोदी के नहीं देंगे। मोदी को नहीं दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे मोदी के। क्यों मोदी को नहीं दोगे? मोदी तो बर्बाद कर दिया, रोजगार में सबका घाटा लगा दिया। अच्छा, आपके इलाके से विधायक कौन है? ये सुधा मिश्रा है विधायक। विधायक तो कौन है यहाँ? वो तो नरेश बल्याण, तो वही तो केजरीवाल। बल्याण? हाँ बल्याण। कराए क्षेत्र में? हाँ तो कराते हैं, आते हैं, देखते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं। दूसरों कामों से? हाँ उनके काम से, तभी तो केजरीवाल के देंगे। कितने नंबर दोगे विधायक को 10 में से? पूरा। क्या नाम है आपका? अभय निगम। निगम साहब कहाँ रहते हैं? यही विपिन गार्डन में ही रहते हैं। ये कौन सा इलाका पड़ता है? ये विपिन गार्डन एक्सटेंशन। बाबा दिल्ली चुनाव आते हैं, आप लोग वोट करते हैं? हाँ जी करते हैं, जरूर करते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? जो दिल्ली के लिए काम करे और जो अच्छी तरह से अपना दिल्ली चलाए वही मुख्यमंत्री होना चाहिए। पाँच साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, किया दिल्ली के लिए काम या फेल हो गए? नहीं नहीं, दिल्ली के लिए केजरीवाल साहब ने कुछ काम किया है। क्या काम किया? अब पानी के लिए जैसे किया है उन्होंने, बिजली के लिए भी किया है, बिजली के लिए भी जो भी गरीबों के लिए किया है, अच्छा काम कर रही, परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है फिलहाल। आपके इलाके से विधायक कौन है? हमारे विधायक हैं नरेश बाल्याण जी हैं। कुछ काम कराया क्षेत्र में? बहुत काम कराया नरेश बाल्याण जी ने। जैसे? रोडें बनवाई हैं उन्होंने, सीवर लाइन बनवाया है और भी बहुत सारे काम किए उन्होंने। कितने नंबर देंगे विधायक को 10 में से? 10 में से तो विधायक जी को तो 10 ही देना जाना चाहिए। विधायक जी आपका नाम क्या है? बलवान सिंह। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ विपिन गार्डन एक्सटेंशन। चुनाव आता है आप भी वोट करते होंगे? देख हमारी वोट नहीं है लेकिन मैं केजरीवाल साहब का समर्थन करता हूँ। आपका नाम क्या है? मंजू भैया। कहाँ रहती हैं? यहीं पे, इसी घर में। चुनाव आता है वोट देती हैं? हाँ जी। विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए, जनता के हक में काम करें। पाँच साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, किए जनता के हक में काम या फेल हो गए? नहीं कुछ हद तक ठीक है। क्या किया है? किया ही है कुछ। कैसे? जैसे अब क्या सारा उदाहरण मेरे से लो गया। आपके इलाके से विधायक कौन है? अच्छा शिवेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? विपिन गार्डन में। चुनाव आता है वोट भी करते होंगे? अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? केजरीवाल जैसा होना चाहिए। क्यों केजरीवाल? तो केजरीवाल ने काम अच्छा किया जो दिल्ली में होना चाहिए। क्या अच्छा काम किया? बहुत काम करा उन्होंने। जैसे? जैसे मैं क्या नहीं करा, बिजली, सड़क, सीवर, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो जनता को चाहिए सब कुछ दिया अगले ने। अच्छा आपके इलाके से विधायक कौन है? नरेश बाल्याण जी। कुछ काम कराए क्षेत्र में? सारे काम करे हैं। जैसे? जैसे मैं सारे विकास काम जो होने चाहिए, रोड, सड़कें, जो भी नालियाँ हैं या लाइटें हो या कैमराज हैं, जो भी है मतलब सब कुछ। कितने नंबर देंगे विधायक को 10 में से? 10 नंबर देंगे विधायक। 10 आप भी? ऐसा क्यों? विधायक को देंगे, केजरीवाल जी का तो हो सकता है 1% कम हो लेकिन विधायक के 10 में 10 नंबर। विधायक के 10 में 10? हाँ विधायक जी तो बनता है उनका। विधायक जी का बनता है? विधायक जी का बनता है, विधायक जी ने काम किया है, विधायक ने अच्छा काम किया है और इस क्षेत्र से शायद हम केजरीवाल जी को तो शायद सोचते हैं लेकिन विधायक जी की वजह से केजरीवाल को वोट देना। नाम क्या है? रमेश प्रसाद सिंह। रमेश भाई कहाँ रहते हो? यही 24 नंबर गली। चुनाव आता है वोट करते हो? हाँ। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? केजरीवाल तो ठीक है। क्या किया केजरीवाल ने? स्कूल, हॉस्पिटल दोनों फर्स्ट क्लास है। आपके इलाके से विधायक कौन है? नरेश बल्याण। कभी आते हैं इलाके में? हाँ। क्या काम कराया?
हमारे गली का अभी अभी तो नाली बना और रोड बना, तो उसमें भी आए थे। संतुष्ट कामों से? हाँ। कितने नंबर दोगे विधायक को 10 में से? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 का 10 दे देंगे। 10 के 10? और क्या, इतना काम करवाया। रणधीर कुमार। कहाँ रहते हैं? दीपी गार्डन एक्सटेंशन में। चुनाव आता है वोट देते हैं? हाँ जी। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। 5 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, कुछ काम किया दिल्ली वालों के लिए? फेल हो गए? नहीं, काम तो कर रहे हैं। क्या काम किया? ये बिजली पानी सभी फ्री करवा दिए हैं। आपके इलाके से विधायक कौन है? नरेश वालियान। कुछ काम कराया क्षेत्र में? काम करवा रहे हैं लेकिन कभी मिलने तो आते नहीं, कभी देखा नहीं। आप इसे करवाया नहीं? करवाया। काम करवा रहे हैं। क्या काम करवाया? यही रोड नाले सबका, नाला ये सब। कितने नंबर देंगे विधायक को 10 में से? 10 में से 8 नंबर। हाँ जी। दिलीप कुमार सिंह। दिलीप जी कहाँ रहते हैं? विपिन गार्डन। चुनाव आता है वोट देते हैं? देते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए। दूसरा? केजरीवाल नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं केजरीवाल? केजरीवाल बेकार है। क्या किया बेकार? कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, आपके इलाके से विधायक कौन है? नरेश वालियान जी। अभी आते हैं इलाके में? आते हैं। आते हैं, कुछ काम भी करवाते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या काम कराया? बहुत काम कराते हैं, उनके पास जो जाइए वो काम होता है। जैसे? कोई भी काम, चाहे ग्रामीण हो या अपना पर्सनल हो, वो कराते हैं। जो इलाके की समस्या थी, बिजली, सड़क, सीवर, पानी, क्या सब काम ठीक है? एकदम बिल्कुल ठीक है। कितने नंबर देंगे विधायक को 10 में से? 10 में से 100। 10 में से 100 कैसे आ जाएंगे? 10 आएंगे ना, यही सोच लीजिए इसका मतलब। क्या बात, थैंक यू सर। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम जुनैद है। कहाँ रहते हो? मैं मोहन गार्डन में। चुनाव आता है वोट देते हो? आज ही देते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसा होना चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल? क्योंकि जहां सब लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हमारे शिक्षा के ऊपर लड़ रहे हैं, विकास के ऊपर लड़ रहे हैं। अच्छा, आपके इलाके से विधायक कौन है? हमारे इलाके से नरेश वालियान। अभी आते हैं इलाके में? हाँ जी, आते हैं, बहुत बार आते हैं। आते हैं, कुछ काम भी करवाते हैं? हाँ, काम वगैरह भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इलाके की समस्या होती है, बिजली, सड़क, सीवर, पानी सब ठीक है? बिजली सड़क तो ठीक है, लेकिन सीवर में कभी कभार दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी नए नए सीवर है, इस वजह से सही से कनेक्शन वगैरह नहीं हो पाए। नए डले हैं? हाँ जी, नए सीवर। कितने नंबर देंगे विधायक को 10 में से? 10 में से 6। हाँ जी। 4 नंबर क्यों काट लिए? 4 नंबर इसलिए काट लिए क्योंकि 4 नंबर काट लिए बस। हाँ जी भैया, चालू नहीं हुआ है अभी काम। काम तो हो गया, नालियाँ बन गई हैं, फीवर सीवर डल चुके हैं, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है काम। अच्छा, काम पूरे प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है। अच्छा, इसी वजह से 4 नंबर। क्या लगता है, दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे एरिया में केजरीवाल ही ठीक लगता है, जैसे कि सबके राय में देखा जाए तो। हमारे पेरेंट्स भी उन्हीं को देते हैं। क्यों? अच्छा काम की वजह से सर, अपने एक चुनाव होता है तो आपने अच्छा आदमी अच्छा इसलिए तो सुनता है, जो अच्छा काम कर सके इलाके में, धर्म की राजनीति ना हो और काम हो शिक्षा के ऊपर। और शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री कराते हैं काम। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? सुनील श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं? गली नंबर 17 में। चुनाव आता है अंकल जी, वोट भी करते होंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? ये तो फिलहाल बताने वाली बात नहीं है, होना कैसा चाहिए, होना वो चाहिए जो डेवलपमेंट करे, सीधी सी बात है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली की डेवलपमेंट फेल हो गए? ऐसा है कि प्रधान होने के नाते मुझे कुछ बोलना ठीक नहीं है और ना ही मैं बोलूँगा, क्योंकि इस कॉलोनी का प्रधान हूँ, मुझे डेवलपमेंट भी करानी है, बहुत कुछ करानी है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, सॉरी टू से है। क्या नाम आपका? वेद प्रकाश जी। कहाँ रहते हैं? 17 नंबर गली, विपिन गार्डन एक्सटेंशन। चुनाव आते हैं वोट भी करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? केजरीवाल जैसा। केजरीवाल क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने इन कॉलोनियों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया? पानी, बिजली और प्लस शुरू में जब केजरीवाल आया उस टाइम पे गैस 52 रुपये थी, आज 32 रुपये कर दी। ऑटो टैक्सी कमर्शियल व्हीकल वाले, इनकी वजह से रोटी खाने लगे अच्छी तरह से। आपके इलाके से विधायक कौन है? मैं नरेश बाल्याण है। अभी आते हैं इलाके, कुछ काम करवाते हैं? आते हैं कुछ काम भी करवाते हैं? हम भी करवाते हैं, बहुत काम करवाया है। क्या काम करवाया? पार्क वगैरह सारा काम करवाया है, सीवर डलवा दिए, सीवर चालू कर रहे, नाली बनवा रहे। कितने नंबर देंगे विधायक को 10 में से? 10।
आप 10 नंबर देंगे। अच्छा आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? केजरीवाल जैसा। आप भी केजरीवाल? बिल्कुल। क्यों केजरीवाल? जो सारे दिल्ली का वो काम करवा रहा है तो इससे फालतू और क्या होगा, गरीबों के हित में तो सब कुछ वही करवा रहे हैं। क्या करा है गरीबों के हित के लिए? ये रोटी पानी ऑटो चल रहे हैं, ये किसकी वजह से चल रहे हैं? पानी का बिल देख लो कैसे है, बिजली का बिल देख लो कैसे है, पहले कितना आता था आई लेवल पे। वैसे इलाके की समस्या होती है बिजली, सड़क, सीवर, पानी, इस मामले में आपके विधायक ने क्या काम किया? तो ये सब कुछ ही वो विधायक करवा रहे हो, कौन कर रहा है, कर रहा है। अच्छा आपने विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 के 10 ही हैं। आप 10 के 10 नंबर क्यों दे रहे हैं? दे रहे हैं भाई, जब इसकी जब काम करा रहा है, जब हमारा खड़ा होगा काम कराओगे तो सब कुछ कराएगा। अमीर आदमी कहाँ आते होंगे? अमीर तो बहुत आम है, अमीर आते होना होंगे, आते इलाके में क्यों नहीं आते? आप क्या चाहते, आप बुला लें, वो इलाका ही नहीं का है, यहीं के तो है जो यहाँ के विधायक है, वो यहाँ काम नहीं कराएंगे और दूसरे देश में कराएंगे। बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं वो, काम तो बढ़िया करा रहे हैं। यहीं के हैं वो, नवादा के हैं, नवादा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम, और बढ़िया काम करवा रहे हो। वो एकदम तुरंत यहाँ पर प्रवेश हो जाते हैं, आ जाते हैं, काम कराते हैं, हाथ बाजू पकड़ के काम कराते हैं उनसे। आप बताइए मुकुंद जी, आप बताइए आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? केजरीवाल कैसा होना चाहिए? क्यों केजरीवाल? क्योंकि उन्हें सारे काम गरीबों के आके, अपना यहीं का रहने वाला है वो। मोदी नाराज हो जाएंगे आपसे? नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मोदी नाराज होंगे। मेरी पार्टी को वोट ही नहीं दे रहे? नहीं नहीं ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ गरीबों के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। मोदी ने क्या नहीं किया गरीबों के लिए? क्या किया है, क्या किया है? नौकरियां खत्म कर दी सब। केजरीवाल ने क्या किया है? केजरीवाल बिल तो माफ कर रहा है कम से कम, हम जैसे गरीब ना तो बिल भर भर कर गंजे हो जाते। अच्छा आपके विधायक ने क्या किया? विधायक भी सारा काम करा रहा है, सड़क, सीवर, बिजली, पानी। जब कहते हैं जब आ जाता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास चले जाओ, हेलो आए करता है, सब कुछ करता है, काम करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं जी, इलाके में आते हैं। हाँ जी आते हैं। कितने नंबर देंगे विधायक को 10 में से? पूरे 10। आप? हाँ पूरे 10 के 10। हम 10 के 11 देंगे। 10 के 11 कैसे आ जाएंगे? क्यों नहीं आ जाएंगे, प्लस कर देंगे ना, प्लस एक जो जी का नंबर ले लोगे क्या? हाँ मोदी जी के वो तो 0 ही देंगे। राहुल जी आपके पास आ रहा हूँ।